केले के पकौड़े। हर संडे की तरह इस संडे को भी हम लोग निकल जाते हैं एक नए ट्रैक पर। गुड मॉर्निंग, ठीक है। मैं बड़े गुस्से जा रहा था। क्यों गुस्से में क्यों है? आयुष भी आप क्यों नहीं चल रहे हो? क्यों नहीं चल रहे हो? आप रीजन दो, वैलिड रीजन, जनता जानना चाहती है। ट्यूशन पढ़ानी है भाई। गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ये सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं एक्सचेंज। देखो कॉल कर देंगे फिर से। लंच का जितना भी सामान है सारा यहाँ से कैरी कर रहे हैं। इट्स टाइम टू थथारनाड। गाइस सुबह के 9:20 आ रहे हैं और हमने ट्रैक अपना जो शुरू कर दिया है और धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब ऐसे धूप धाप खिली हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में। सब कुछ हरियाली हरियाली दिख रही है साथ में। और ये हमारे बीना मीना जी कैसा लग रहा है ट्रैक पे? अच्छा, मस्त। कैसा लग रहा है? बहुत। रितिक भाई कैसा रहा? मस्त, थक गया। ये क्या पहना आपने गले में? हैंकी। हाफ किलोमीटर का ट्रैक अभी डन हुआ था और यहाँ पे हमने फर्स्ट अपनी ब्रेक ले ली है। कैसा रहा आपका अनुभव अभी तक का? मस्त रहा। पीले पीले पानी पीले। तो जैसे जैसे हम अगले रास्ते पे चलते जा रहे हैं, देखो कितना परफेक्ट व्यू आ रहा है। बिना चले के मुड़ के दिखाओगे? ये सामने से वो वाले पहाड़ दिखना शुरू हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। ये देखो ये वाले पहाड़। गाइस ये विनोद शर्मा जी के लड़के यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे पानी का ये एक बोतल भरते हुए। कितने लीटर की ये बोतल? कितने? 2 लीटर की। इसे ही गुजारा करना पड़ेगा हमें। बोतल भरी हुई। यहाँ से कितने किलोमीटर बचा अब? वही सफर है, कम से कम मतलब यही पेस रही तो 2.5 घंटे और लगेंगे। 2.5 घंटे? 2.25। जल्दी चलना पड़ेगा मैडम। तो गाइस अभी चलते चलते ऐसे जंगल में पहुँच गए। ऐसे पूरा जंगल है ऐसे, ये बन के पेड़ और पूरा जंगली जंगल, बिल्कुल फ्रेश हवा। और फ्रेश हवा के बीच में जो है अच्छे सी सांसें लेते हमारे डीआर साहब। मतलब यहाँ करके बिल्कुल ऐसी ठंडक सी महसूस हो रही है। अभी धूप से आए ना, पहले साड़ी साइड जो है धूप है ना अभी, तो इस साइड जो है ना काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। आ रही है हवा ना? सुकून भरी हवा आ रही है। नहीं आ रही है भाई। बिल्कुल आ रही है भाई। आपके अंदर तो कुछ और चीज़ देने, इसलिए नहीं आ रही है। यार ऐसा है। ये बीना है, शालिनी है, ये और जो करी ये जब कुल्लू के ट्रैक पे जाते शालिनी, ये झूठ हो रही है, हमने सच में जलाई है। ये देखिए गाइस क्या रास्ते है, आगे आगे चलते चलते थोड़े डेंजरस भी होते जा रहे हैं। डेंजरस तो क्या बोल सकते हैं, मगर ऐसे देखने में बिल्कुल स्टीप स्टीप होते जा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये और ये नीचे खाई नीचे तक। ये विनोद थक थक के चूर हो गया है। सरासर झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं थके अभी तक, तभी सबसे पीछे। गाइस हमें ट्रैक पे हमें एक प्यारा सा दोस्त मिला हमारा। हेलो हेलो, हमारा नया ट्रैकिंग पार्टनर जी खाए दे। गाइस ये देखिए बैक साइड कितना पूरा घना जंगल है। वाओ। और ट्रैक से जंगल क्रॉस करके ऊपर आए तो ऐसे पहाड़ देखने यहाँ पे शुरू हो गए। थोड़ी थोड़ी बर्फ भी दिख रही है इसके ऊपर और शायद थोड़ी देर बाद हमारा ट्रैक भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएंगे हम। यहाँ से ऐसे ऐसे व्यू दिख रहा है, वाह सुपर बर्फीले पहाड़। और हमारे यहाँ पे जो ट्रैक गाइड है वो हमें बता रहे हैं कि कैसे हम इस पहाड़ पर पहुँच सकते हैं, ये वाले पहाड़ पर। लुक एट गाइस, मतलब इन जंगलों के ठीक बीच में सामने इतना कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट व्यू। यहाँ पे धौलाधार के विशाल पर्वत, माउंटेन रेंज, कुछ कुछ स्नो से कवर हुए हुए, देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे। रेस्ट ब्रेक नंबर 312।
9:20 पे ट्रैक शुरू किया था, 11:20 हो गए, 2 घंटे हो गए और पता नहीं कब पहुंचेंगे। जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे वैसे वैसे जो ये धुलदार की रेंज बढ़ती जा रही है और उतनी बढ़िया उतनी परफेक्ट लगती जा रही है। और इस पॉइंट पर तो देखिए आप बर्फ कितनी ज़्यादा जमी हुई है ये वाले पॉइंट पर, वाह सुपर। और यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी ब्रेक और यहाँ से हमने लकड़ी इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया, लकड़ी लेके जा रहे ऊपर। ऐसे ऐसी जितनी भी लकड़ियाँ मिल रही है रास्ते में छोटे मोटे उनको लेकर के जा रहे हो, क्योंकि ऊपर करेंगे हम आग जलाएंगे और वहीं पे खाने पीने का सामान बनाएंगे तो इनकी हेल्प आएगी। और ये जंगलें भी तो इस जंगलों से ही ले सकते, अभी ऊपर तो मिलेगी नहीं तो इसकी भी कलेक्शन हो रही साथ साथ में। और एक बनाना ब्रेक गाइड रहे और रास्ते से यहाँ पे लकड़ियों भी ले जा रहे साथ साथ में। तोड़ दे सबके हाथ में एक एक लकड़ी आ जाएगी, इंक्लूडिंग मी। बड़ी हो जाएगी इतनी यार, अब ये तो काफी हो जाएगी, बच जाएगी शायद से। लकड़ी लेकर के चलते रहो गाइस, आग जलने तो लकड़ी तो चाहिए। हाय बड़ी ज्यादा होगी, इतनी में नहीं चाहिए अबे। हाउस है जोश गाइस, और इस साइड देखिए पूरा धर्मशाला का व्यू। और आपको मैं अपनी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, ये है हमारी यूनिवर्सिटी HP यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला। ये जो रेड छत दिख रही है ये पूरा खनियारा का एरिया, और उसके सामने धर्मशाला मगर फॉक्स अभी कवर अप है। वाह सुपर। एंड फाइनली गाइस बिल्कुल पहुँच चुके हम थथराना ट्रैक पे, थथराना पीक पे जाकर के ऊपर पूरी की पूरी एलिवेशन दिख रही है। देखो यहाँ पे कुछ टेम्प्रेरी से हाउस भी है और इस साइड को भी। वाह कितने पास है ये पहाड़ दिख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल पास में ही है। वाह सुपर फाइनली। ये वाले टेम्प्रेरी हाउस है, शायद से यहाँ पे कुछ लोग आते होने गर्मियों या गर्मियों के टाइम। और यहाँ पे एक तालाब भी दिख रहा है तो उनको पशुओं के लिए पानी चलाने के लिए, ये पानी का तालाब और उसके सामने का ये बिल्कुल बढ़िया व्यू। फाइनली गाइज वी डिड इट, आफ्टर 3 घंटे कंटिन्यूसली हाइक करने के बाद हम पहुंच गए प्रॉपर, अपना ट्रैक जो सक्सेसफुली कर लिया है। तो कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ से, हम प्रॉपर थथराना से। अभी थोड़े थोड़े क्लाउड आना वहाँ पे शुरू हो गया तो इस वजह से थोड़ा उतना क्लियर नहीं दिख रहा, मगर स्नो भी काफ़ी कम है यहाँ पे तो उस वजह से भी, मगर फिर भी बिल्कुल पास से दिख रही है ये वाले पहाड़ बिल्कुल पास में। ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे हमने भी कैंप कर दिया अपना, और यहाँ पे भी हमारे सारे दोस्त खाना खुना बना रहे हैं। और वो वाला प्लेन वाला एरिया और उसी पॉइंट पर एक लेक भी है टेम्परेरी से जो बारिश वरिश से बनी। और इस साइड बड़ा इंटरेस्टेड एरिया है, ये वाला पूरा एरिया है धर्मशाला वाला एरिया, पूरा धर्मशाला दिख रहा है यहाँ से, हमारी यूनिवर्सिटी भी दिख रही थी उस पॉइंट से उस पॉइंट पे, और ये पूरा धर्मशाला का। और ये वाला जो एरिया यहाँ पे त्रिवेणी ट्रैक, ये जो दिख रही रेंज पूरी त्रिवेणी ट्रैक की, और उसके बाद जो है राइजिंग स्टार हिल वाला वो आ गया, वो वाली जो पीक है वो वाली राइजिंग स्टार हिल, और ये पूरा थथराना ट्रैक। तो यहाँ पे हमने टेम्परेरी चूल्हा बना दिया यहाँ पे, और आग भी जल गई है यहाँ पे, दिख नहीं रही होनी, ये देखना। अब यहाँ पे बनाएंगे मैगी एंड पकौड़े का सेक्टर, आग लगे। वाह बीना जी क्या बना रहे हो आप, क्या बना रही, जल गया, मैगी बना रही। और अब यहाँ पे पकौड़े बनने की शुरुआत हो रही है, किसके पकौड़े बना रहे हैं आयुष भाई, हम पनीर के पकौड़े बना रहे हैं। पनीर के, उसके साथ कौन कौन सी चीजें होंगी, बस ज्यादा नहीं बेसन नमक और मिर्च, बेसिक बेसन नमक और मिर्च और पनीर, ये आगे बेसन जिसको आयुष भाई भी मिक्स कर रहे हैं। और ये इसमें पानी करके मिक्स हो रही है बेसन में, बस कुछ ज्यादा में डाल देना तब तो मेरे को बोलने लग पड़ता है। पनीर डिप कराना कने ठा, बैक साइड की स्नेप बड़ी अच्छी आ रही है यहाँ से, शाबाश डालते जाओ। कितना डाला आयुष बताना, फर्स्ट शिफ्ट में बना रहे हैं हम पकौड़े तो उसके लिए तेल डाल रहे हैं। सभी लोग अपना काम जो शिद्दत से कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे बेसन को मिक्स कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, मतलब यूनिटी काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पे ट्रैक पे हमारे साथी, सुपर। और बैक साइड का जो धोलाधार की रेंज है वो भी काफ़ी मस्त लग रही है, और ये पहाड़ भी सुना, मतलब आगे को डालना है। हमारे पकौड़े बनना जो अभी शुरू हो गए। हाँ ये अच्छा
सभी लोग अपने काम में बिजी और यहाँ पे शालिनी जो है टमाटर काट रही है और बीना ये प्याज काट रही है, ये दोनों यूज होंगे मैगी बनाने में। गर्मा गर्म पकौड़े। अरे पता क्या, और ये वाले जो पकौड़े बन रहे बड़े कुछ स्पेशल है, बिकॉज ये बन रहे केले के पकौड़े, जो कि जिसका इजाद जो है आयुष शर्मा ने किया है, और इसकी पीछे की आइडियोलॉजी जिसकी भी थी वो थी इसके बीना की आइडियोलॉजी के ऊपर। अब खा करके पता चलेगा कि ये कैसे बनते हैं केले के पकौड़े। ये है हमारे केले के पकौड़े, बनाना पकौड़ा। अभी हम टेस्ट करेंगे बनानास के पकोड़े, केले के पकोड़े। ये सेकंड शिफ्ट बनने की तैयारी, सेकंड शिफ्ट में बना रहे मैगी, पहाड़ों वाली मैगी गाइस। बट रसोई लगे हमारे पहाड़ों में, इन वादियों में ये मैगी बन गई। क्या आपने कभी रोस्टर चाय पी है? जरा मैंने भी नहीं पिया, मैं भी आज पहली बार ही पीऊंगा। इसकी कुछ प्रोसेस इस तरह से कर रहे हैं हमारे शर्मा जी, इसमें पत्ती और चाय को ऐसे आग के ऊपर रख दिया गया है। गाइडेंस किसकी है? आयुष दीवान की। इसके पीछे जो आइडिया है वो है डॉक्टर आयुष दीवान का, और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे शर्मा जी, करवाया जा रहा है उनसे, और इसमें सहयोग कर रही है बीना, सहयोग तो उनका है बस। इसको रोस्ट करेंगे तो फिर क्या क्या इसका की प्रोसेस क्या है? पिघलना शुरू हो जाना ना, फिर देखता हूं। जब जैसे पिघल जाएगा उसके बाद पानी डाल देना, फिर अच्छी चाय बनेगी, फिर मतलब थोड़ा रोस्टेड स्वाद होगा। अच्छा, नहीं पाना गाइस, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हम, देखते बोला कैसा होता है। फिर इसमें कुछ दिन बाद इसको रोस्ट करने के बाद पानी डाल देते हैं, और इसमें अब दूध। वाह आयुष मान, वाह मान गए भाई आपको, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। ओ भाई ऐसे नहीं काटना, कैसे काट रही है तू? अरे जरा काटा और जा तू नीचे। ये रोस्टेड चाय जो है मतलब बनके तैयार हो गई है, कुछ ऐसी दिख रही है, पता नहीं नहीं मिंज तो ठीक है, तेज हो गया, लग गई मिंज होना बनो, ज्यादा लग गई ठंड, ये तो ठंड का है, इसे लग गई है की तो नहीं है बाहर में लग। यहां पे हम सारे दोस्त गॉसिप्स कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है, मगर हमारे ऋतिक जी पता नहीं क्या हो गया, इनको गहरी निंद्रा में चले गए हैं। पता नहीं ऋतिक जी क्या हुआ आपको, तभी तो ठीक है, धूप के मजे ले रहे हैं। अच्छा धूप के मजे ले रहे हैं गाइस, हाँ धूप भी अच्छी लगी है यहाँ पे। थोड़ा बहुत डाल देना एंट्री उस पे, स्टार्टिंग और एग्जिट पे, आउटर ढंग का डालना, गाना गुना डालना। तो गाइस दोपहर के 2 बजे जो अब खाने की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, ये चाय डाल रहे हैं हमारे आयुष दीवान जी सभी के कप्पस में, जितने भी छोटे छोटे कप्पस में, और इसके साथ खाएंगे पकौड़े और मैगी एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कितने जन है? तुम देख टाइम लगती है। चाय वो सारे देख। चीयर्स। चोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पकौड़ास भाई निकाल दिए, टेक इट इजी इजी इजी। शर्मा जी मुझे मैगी दे दो, मेरा गला सूख रहा है शर्मा जी। गाइस पहाड़ों वाली मैगी, और ये सारे पहाड़ी हमारे ऋतिक जी, शालिनी जी, आयुष्मान। पैकअप गाइस, सारा खाना खा बैठे, मजा आ गया, पेट भी भर गया। आयुष जी यहाँ पे अपनी चुल्लो जो है नष्ट कर रहा है, जब मैंने इनसे कारण पूछा कि आप इसको क्यों नष्ट कर रहे हो, इनको सेफ क्यों नहीं रहने देते हो, तो इनका कहना था कि जो आने वाले जितने भी यहाँ पे ट्रैकर हो गए वो खुद से मेहनत करें, खुद से चुल्ला बनाए, हम यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। तो जितना भी हमारा ये बेस मटेरियल था ये सारा खुद जला देंगे यहाँ पे, जितना भी दिखाया था हमने ये वो सारा बिल्कुल पहाड़ों को कचरा कचरा फ्री पार कर देंगे, जितना भी कचरा है ये वो सारा ये सारा जला देंगे यहाँ पे। और ये हमारे प्यारे चिक्कू जी जो है सारा इसको पनीर के पकौड़े खिला रहे, पनीर के केले के, और उसके आसपास ये जो है कौवे भी मंडरा रहे, इनको भी खाने के लिए चाहिए, तो इनको भी देते हैं कुछ जितना। इन द एंड ऑफ द डे जितना कुछ भी हमें खाने पीने के लिए था, जितना भी कचरा था सब कुछ बिल्कुल हमने यहाँ पे जला दिया है।
इंक्लूडिंग ये जितनी भी लकड़ियां बच रही थी सारी नहीं था पर जितना हाँ मतलब इसके अंदर जितना भी कचरा सारा जला दिया और लकड़ियां भी मतलब कोई भी नामो निशान छोड़ के नहीं जा रहे, ये पूरा साफ है। और इसके सभी सो रहे थे तो चिक्कू ने भी सोचा मैं भी सो जाता हूँ ना। गाइस कैसा लग रहा है फिर खाना पीना हो गया? खाना पीना कैसा, खाना कैसे बना था? मस्त। और निचर में आकर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। बीना जी आपकी क्या राय है, कैसा था खाना बना हुआ? मस्त था। और इस एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो आसपास का एनवायरनमेंट है? रोज देखते हैं ऐसे एनवायरनमेंट, इसके लिए नहीं मतलब इन लम्हों के बारे में हम इन ऐसे लम्हे थोड़ा ना बताते तो मतलब कुछ मतलब और कुछ इसके बारे में कोई स्पेसिफिक वर्ड कुछ नहीं फल फोटो खींचने मजा आ गया बस। अच्छा शालिनी जी आपका क्या कहना है, मतलब कैसा आपका दिन आज का अभी तक का, खाना कैसा बना था? अमेजिंग। और इस जो हम अभी मोमेंट्स के जी रहे उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसे ये काफी अच्छा है? ठंड का मजा लेके कैसा आ रहा है? ठंड भी काफी है। ठंड भी लग रही है? ठंड भी है। अच्छा। तो टी-शर्ट देखो हाँ ये बिल्कुल सही बोले गाइस, देखो अभी ठंड भी लग रही है हमें और यहाँ से ठंड ठंडी हवा आ रही है ना और धूप भी खिली हुई है तो बस वैसे मिक्स इमोशन है। धूप भी खिली है, धूप भी लगी हुई है हमारे ऊपर तो बस वैसे। वहाँ पे हमने आग भी जलाई है, वहाँ पे कुछ माशे लोग आग भी सेक रहे हैं, यहाँ पे डॉगी से हमारा सो रहा है। हाँ जो हमारी क्लास की लड़की नहीं आती उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज? वही वही सेम एग्जैक्ट जो शालिनी कह रही है कि मतलब आना चाहिए था सभी को जो भी हमारी क्लास के नहीं आए, तो सबने मिस कर दिया, मोटा ही सीन मिस कर दिया। हम तो कैमरा घूम रहे हैं, मस्त फोटो खिंचाई है, मजा आ गया, मस्त मजा आ गया। वहीं तो जो भी हमारी क्लास के जो भी सुन रहे हैं ना वो उनको भी ध्यान देना चाहिए। आयुष जी कैसा रहा फिर आप आज का आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा, काफ़ी मज़े कर रहे हैं हम और मेरे हिसाब से हमारे बाकी सभी सहपाठियों को भी आना चाहिए था। अच्छा जो लोग नहीं आए कुछ भी अपने अपने रीज़न दे करके उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, अगर उनको एक मैसेज देना हो तो? वो बहुत ही बढ़िया व्यू और जो हम अभी लम्हे जो जी रहे हैं, जो मोमेंट्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि फिर वो कभी बन पाएंगे। तो नेक्स्ट ट्रैक के लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? हम उस वाले ट्रैक पे जा रहे हैं, वो दिख रहा आपको राइजिंग स्टार हिल, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि भाई चल पड़ना सभी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मोमेंट्स क्रिएट करेंगे हम, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचाएंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, बढ़िया मज़े करेंगे और बढ़िया लाइफ जिएंगे। ओके सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तेरी नजर मिली मारे नटी नच दे, तेरी नजर मिली मारे नटी नच दे, मेरा दिल डू लुटी ले गई सस दे, दिल डू लुटी। That's for the day guys, one of the greatest photo shoot in the history of Thathrana track. क्या बात है जी, क्या बात है, नाटी टॉप क्लास। लास्ट मोमेंट क्लिप्स 360 व्यू फ्रॉम थथारना ट्रैक, ये वाली पूरी रेंज और ये गेसन चंदा चंदनी सूरज मामा और ये पूरा 360 व्यू शाम के टाइम का, ऐसे दौलादार की रेंज फिर से दिखना शुरू हो गई यहाँ से। My boy and girl on the way of back Dharmshala, Khaniara.
ये जो प्यारा सा डॉगी इसने पूरा साथ दिया हमारा, ट्रैक पे जाने के टाइम भी, वापस आने के टाइम भी, और ऊपर खाने खाने टाइम भी। हेलो हेलो इधर अच्छा 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 सो स्वीट, कितना प्यारा है, क्यारा क्यारा। तो गाइस बहुत ही दुखी हृदय के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज अभी टाइम 5:30 होने का हो रहे हैं। 5 बजे हम जो है थथराना ट्रैक से वापस घर के लिए चले थे, और उम्मीद है कि 6:00 बजे नीचे पहुँच जाएंगे और अंधेरा भी होने वाला है। दिल तो करता है इन वादियों में रहूं, ट्रैकिंग करूं यहाँ पे, मतलब नाइट स्टे करूं यहाँ पे और सनराइज़ देखूं, सनसेट होता हुआ देखूं, यहाँ की ठंड महसूस करूं बिल्कुल पहाड़ों की। मगर होप कि नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी, जनवरी का सोच रहे, जब उस टाइम बर्फ होती है उस टाइम भी आने का सोच रहे, फिर पक्की क्या होता। तो अब बताइए हमें कि वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सा पहाड़ आपको पसंद आया, कौन से ऐसे ऐसे मोमेंट्स जो आपको पसंद आए, पहाड़ या कुछ भी। सो अपनी फीडबैक जरूर देना कमेंट में, एंड दैट्स फॉर द डे, सब्सक्राइब फॉर मोर। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर कर देना, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।